तो दोस्तों इस वीडियो में दर्शन करा रहा हूँ आपको प्रेम मंदिर के। सबसे पहले प्रेम मंदिर के दर्शन कीजिए और ये 60 सेकंड के आसपास का वीडियो है, तो प्रेम मंदिर के बाहर से लेके अंदर तक का है। और सबसे पहले मैं आपको बाहर का जो व्यू है दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए कितनी सारी पब्लिक है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितनी सारी जनता है। और ये तमाम लोग जो है जन्माष्टमी पावन अवसर पर, पावन दिन पर यहाँ आए हुए हैं। और ये लोग जो हैं अंदर जाके दर्शन करेंगे तो आपको हम भी दर्शन कराएंगे, तो आइए अंदर चलते हैं। तो वाकई में प्रेम मंदिर के दर्शन करके आपको अच्छा लगा या नहीं? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मंदिर कैसा लग रहा है आपको देखने में? बहुत ज़्यादा अच्छा। ये जन्माष्टमी के टाइम की भीड़ है, क्या इस भीड़ का हिस्सा अगले साल आप बनना चाहोगे? इस भीड़ में आके मंदिर को देखना चाहोगे? मैं ज़रूर देखना चाहूँगी इस मंदिर को आके। हाँ, ये देखिए कितना सुंदर कितना अच्छा मंदिर है, देखिए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है इस मंदिर का? और ये देखिए गोपियाँ हैं, हर गोपी के साथ में अपना अलग कृष्ण भगवान है। ये देखिए कितना अच्छा अद्भुत चित्रण किया हुआ है यहाँ पे, देख के इसको अच्छा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर। ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, भगवान श्री कृष्ण अलग अलग गोपियाँ ये देखिए नृत्य करते हुए। और ये देखिए कितनी सारी जनता है, पब्लिक है, सब लोग मोबाइल के अंदर वीडियो जो है रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, ये देखिए। और बहुत ही जनता, बहुत ही भक्तगण, मैं बोलूं जनता बोलूं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं जन्माष्टमी पावन अवसर। और ये प्रेम मंदिर, और अभी हम लोग जो एंट्रेंस से अंदर हो रहे हैं, ये अंदर का दृश्य आप पीछे देख रहे हैं कैमरे पर, जो ये जो दृश्य है ये अंदर गेट है, मुख्य गेट है, इसी गेट से प्रवेश करके अंदर जाएंगे। और अंदर जो कैमरा है अलाउ नहीं, तो अंदर आपको बहुत कम वीडियो दिखा पाऊँगा मैं, हो सके ना दिखा पाऊँ तो कुछ एक दृश्य दिखाऊँगा आप देख लेना। और ये जो आप देख रहे हैं अभी वीडियो, ये रात का दृश्य है। रात में इस तरह से प्रेम मंदिर है, जगमग होता है, चमकता है, रंग बिरंगी लाइटें जो बिखेरी जाती हैं इस पर, और बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये था प्रेम मंदिर का संपूर्ण दृश्य आपको दिखाया। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद आपको लेके चलते हैं बांके बिहारी जी का मंदिर। बहुत छोटी क्लिप दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी कैमरा अलाउ नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ आपको मैं, इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा अभी। श्री देवरा बाबा का मंदिर है, देवरा बाबा की समाधि स्थल है। तो ये स्टीमर के थ्रू जाएंगे, ये जो स्टीमर आप देख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेके जाएगा ये, और इस घाट से लेके उस घाट तक जाना है आपको। और इसी स्टीमर से जो बाइक हैं और साइकिल हैं मुफ्त में जाती हैं, कोई चार्ज नहीं है। इससे पहले 3 किलोमीटर पहले जो है देवरा बाबा का घाट है, वहाँ से नाव अलग से जाती है देवरा बाबा के आश्रम के मुख्य द्वार तक जाती है, लेकिन वहाँ पे 20 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये जैसा होता है वैसा किराया लिया जाता है, उसमें बाइक वगैरह नहीं जाती है जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है। तो चलिए स्टीमर आ चुका है हमारा, स्टीमर से अभी हम लोग उधर जाएंगे। और जहाँ स्टीमर हमें छोड़ेगा वहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, उस पैदल रास्ते से आपको जाना होगा। अगर बाइक या साइकिल है तो अच्छी बात है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं। है देवरिया बाबा का, देवरा बाबा का राह जाने के लिए, जैसे यमुना जी को आप स्टीमर के थ्रू पार करोगे उसके बाद में 1 किलोमीटर सड़क मिलेगी, 1 किलोमीटर सड़क के बाद में इस तरह का मिट्टी का रास्ता मिलेगा, और आपको 1.5 किलोमीटर फिर ऐसे ही चलना है। तो इसी रास्ते पर जो है हम लोग चल रहे हैं अभी। क्या है, बाबा का मंदिर कितनी दूर है, कैसा है, लेकिन पहली बार जा रहा हूँ तो काफ़ी चीज़ें मन में दिमाग में चल रही हैं, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, और जो महाराज मिलेंगे वहाँ पर, जो गुरुदेव मिलेंगे, पता नहीं वो किस तरह से क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके बाबा की कृपा पाएंगे, और देवरा बाबा की कृपा ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, जब यहाँ तक आ चुके हैं तो बाबा की कृपा भी मिलेगी। तो आइए चलिए, सबको कृपा पात्र बनाते हैं महाराज जी का। 1 किलोमीटर कच्चा रास्ता चलने के बाद में
और इस तरह की पक्की सड़क जो है मिल चुकी है, तो ये 500 मीटर ये सड़क चल के जानी है और मैप पे जो है सीधा रास्ता बता रहा है ये, तो एक बार चलते हैं। और रास्ता बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पीछे कोई नहीं है और इधर भी कोई नहीं है, तो अगर आप अकेले आ रहे हो तो मत आइए, और अगर आ रहे हो तो अर्ली आइए, थोड़ा सा जल्दी आइए, सुबह के टाइम पे आइए। मैं गलती कर गया, शाम के टाइम आएगा, मुझे रुकना भी था वैसे भी बाबा के यहाँ समाधि स्थल पे, तो इसलिए भी थोड़ा सा लेट होगा। फिर बाबा की कृपा रही ऐसी कि अकेला आ ही गया। चलो मैं आपको मिलेगी देवरावा का जो मंदिर, जाओगे समाधि स्थल, वहाँ से थोड़ी सी पहले ये सुदामा कुटी मिलेगी। सुदामा कुटी गौशाला है, बहुत अच्छा है और काफ़ी दूर तक ये देखिए। चलिए चलते, एक छोटा सा बालक आ रहा है, कोई पता नहीं। चलिए मुख्य लोकेशन पर जो हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये गौशाला है। और ऐसा बताया गया है कि पूरब की दिशा की ओर गेट है, उस गेट से ही एंट्री होनी है, तो देखते हैं। इधर गंगा यमुना मैया की साइड से ही कुछ एंट्री है। राधा गोपाल जी का मंदिर है।